अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूं राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस का रेस कोर्स में वकील हसान नियाजी के घर पर छापा, तहम घर पर ना होने की वजह से इमरान खान के भांजे गिरफ्तार ना हो सके। पुलिस का कहना है कि हसान नियाजी की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि PIC में वकला और डॉक्टर्स के तसादुम में हसान नियाजी की फुटेजेस भी सामने आई थी, जिसकी बिना पर कार्रवाई की गई। बिस्मिल्ला राइस मिल ओस्ता मोहम्मद में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में FBR के चीफ कमिश्नर बलूचिस्तान यूसुफ हैदर ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा, बलूचिस्तान में कारोबारी हजरात को टैक्स के हवाले से शाऊर और आगाही फ्राहम की जाए। इस सिलसिले में ओस्ता मोहम्मद के तमाम मिल ऑनर, ट्रेडिंग कंपनी और दीगर कारोबारी हजरात ने इजलास में शिरकत की। साफ जाहिर होता है कि यहाँ के तमाम कारोबारी हजरात मुल्क के खैरख्वाह हैं और अदायगी में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। पश्तूनों की सरजमीन पर वसाइल की जंग लड़ी जा रही है। गुज़श्ता 4 दहाइयों से जंग के खिलाफ आवाज उठाने पर हमें एजेंट कहा गया। आज साबित हुआ कि अफगानिस्तान में जहाद नहीं बल्कि रूस और अमेरिका के मुफादात की जंग थी। जहाद का दर्जा देने वालों को गद्दार ठहरा कर तारीख से मिटाया जाए, ML वली खान का खिताब। सिविल अस्पताल नौशहरो फिरोज को जिला अस्पताल का दर्जा न मिलने पर 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ का एहतजाज। ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी, अल्ट्रासाउंड मशीन गैर फाल। मरीजों का कहना है कि नाक, गले, अमराजे कल्ब और दांतों के डॉक्टर्स भी गायब। 30 साल गुजर गए लेकिन सिंध हुकूमत अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।